छत्तीसगढ़ में गाय बैलों जैसे मवेशियों के लिए मोबाइल चिकित्सा यूनिट शुरू होने जा रही है। इसे मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना कहा जाएगा। इसके पहले चरण में प्रत्येक जिले में एक दो चिकित्सा वाहनों से योजना की शुरुआत की जानी है। बाद में चरणबद्ध तरीके से योजना का विस्तार किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सरकारी पशु चिकित्सालयों के साथ साथ राज्य में सुराजी गांव योजना के तहत बने गौशालों में भी पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था है। बेहतर पशु स्वास्थ्य के लिए गौठानों में चारागाहों का भी विकास किया गया ताकि पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की व्यवस्था होती रहे। अब नई योजनाओं के माध्यम से गौवंश की स्वास्थ्य सुविधाओं का और अधिक विस्तार होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। वर्ष 2019 में हुई पशु गणना के मुताबिक प्रदेश में गौवंशीय पशुओं की कुल संख्या 99,84,000 बताई गई है। इसमें बड़ी संख्या देसी गायों की है। इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी गौधन न्याय योजना गायों पर ही आधारित है। इस लिहाज से यह योजना काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है।